नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ आपकी दोस्त मानवी शर्मा, साहस और शक्ति की देवी माँ चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं विचारों का प्रतीक है। चंदे का अभिप्राय मंदिर में स्थित घंटा एवं उसकी ध्वनि कंपन से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा भावों में उलझा रहता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना कर सांस्कारिक कष्टों से मुक्ति पाकर दिव्य चेतना का साक्षात्कार करता है। इनके मस्तक पर घंटे आकार का अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में कमल और फूल है, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष और एक में बाढ़ है। इनका एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और एक अभय मुद्रा में रहता है। ये रत्न जड़िता आभूषण धारण करती हैं। गले में सफ़ेद फूलों की माला रहती है। चंद्रघंटा का वाहन भाग है। देहधारियों में शक्ति का रूप स्थान मणिपुर चक्र है। साधक इसी मणिपुर चक्र में अपना ध्यान पहुंचाता है। माँ चंद्रघंटा सच्चे और एकाग्र भक्त को बहुत जल्दी फल देती है और उनके कष्टों का निवारण तुरंत करती है। इनका स्वरूप दानव दैत्य राक्षसों को खपाने वाला तथा इनकी प्रचंड ध्वनि उनकी हिम्मत पस्त कर देने वाली होती है। माँ के प्रचंड घंटे की सी ध्वनि बुरी शक्तियों को भगाने पर मजबूर करती है। इसके विपरीत साधकों और भक्तों को इनका स्वरूप सौम्य, शांत और भव्य दिखाई देता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में न केवल साहस और निर्भरता का बल्कि समाप्त और विनम्रता का भी विकास होता है। उनकी देह और स्वर में दिव्य कांति और मधुरता का महावेश होता है और उनके शरीर से तेज सा निकलता जान पड़ता है। माँ चंद्रघंटा जिस पर दृष्टि डालती हैं उन्हें अद्भुत शांति और अनुभव होता है। ये थी SM News की रिपोर्ट।